नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 11 फरवरी गुरुवार दोपहर 1 बजे राजस्थान की खास खबरें। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने कहा है कि एक मुस्लिम लड़की जिसकी उम्र 18 साल से कम है लेकिन वह युवावस्था में पहुंच चुकी है तो वह मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत किसी से भी शादी कर सकती है। न्यायमूर्ति अलका सरीन की पीठ ने विभिन्न अदालतों के आदेशों पर मुस्लिम पर्सनल लॉ के नामी विद्वान सर दिनशा फरदुनजी मुल्ला द्वारा लिखित मोहम्मदन कानून के सिद्धांतों की किताब के अनुच्छेद 195 के आधार पर यह फैसला सुनाया है। पीठ के अनुच्छेद 195 के प्रावधानों का हवाला देते हुए कहा कि साक्ष्य के अभाव में 15 साल उम्र होने पर समझा जाएगा कि लड़की युवावस्था में पहुंच गई है। न्यायमूर्ति सरीन ने 25 जनवरी को एक मुस्लिम जोड़े की याचिका पर यह फैसला सुनाया है जिन्होंने अपने अपने परिवारों से संरक्षण मुहैया करवाने का अनुरोध किया था। व्यक्ति और लड़की की उम्र में अंतर होने के कारण परिवार के लोग उनकी शादी के खिलाफ थे। मामले में व्यक्ति की उम्र 36 जबकि लड़की की उम्र केवल 17 साल थी। श्रीगंगानगर जिले के जैतसर से हिमाचल एक धार्मिक स्थान पर जा रहे लोगों की क्रूजर जीप ट्रक से टकरा गई। हादसा श्रीगंगानगर जिले के सदर थाना क्षेत्र के श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ रोड पर फ्लाईओवर पर नाथावाली के पास हुआ। सूचना पर पहुंची पुलिस ने बताया कि हादसे में जीप में सवार 1.5 दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। इनमें एक युवक की मौत हो गई। पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया है। घायलों में कईयों की हालत गंभीर बनी हुई है। मृतक की पहचान संदीप कुमार निवासी जैतसर के रूप में हुई है। चित्तौड़गढ़ जिले के स्थित कृष्ण धाम सांवलिया जी मंदिर का भंडार खोला गया जिससे रिकॉर्ड 6,17,12,200 रुपये भेंट राशि निकली। अभी शेष नोटों की गणना बाकी है। भंडार से निकली यह राशि अब तक सर्वाधिक है। कोरोना काल में चौथी बार खोले गए भंडार से इस बार रिकॉर्ड राशि प्राप्त हुई है। भंडार से 2,80,00,000 के 2,000 के नोट और करीब 3,00,00,000 रुपये 500-500 के नोट निकले। शेष बचे नोटों में सिक्कों को करीब 8 बोरों में भरा गया है। पिछले महीने भंडार से 4,54,00,000 रुपये निकले थे। चित्तौड़गढ़ जिले के बेगू थाना क्षेत्र में अवैध बजरी भरकर ले जा रहे डंपर ने एक युवक की जान ले ली। जानकारी के अनुसार दर्दनाक हादसे में युवक बुरी तरह कुचला गया। हादसे के बाद मौके पर इकट्ठा हुई भीड़ ने डंपर में तोड़फोड़ की। सूचना पर पहुंची पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर भीड़ को हटाया। पुलिस ने शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। मृतक की पहचान मोहनलाल मेहर के रूप में हुई है। पुलिस डंपर चालक की तलाश कर रही है। नागौर जिले के थामला थाना क्षेत्र की रियाबड़ी में स्कूल छोड़ने के बहाने नाबालिग से दुष्कर्म किए जाने की जानकारी सामने आई है। पीड़िता ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है कि थाना क्षेत्र से सटे एक होटल में शराब पिलाकर आरोपियों ने उसके साथ दुष्कर्म किया और इस दौरान उसके अश्लील वीडियो भी बना लिए। उसके बाद आरोपी पीड़िता को घर के बाहर छोड़ गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। अजमेर जिले में तंबाकू व्यवसायी संजय अरोड़ा के ठिकानों पर जीएसटी ने कार्रवाई करते हुए आधा दर्जन ठिकानों पर छापे मारे। जानकारी के अनुसार डीजीजीआई की 15 से अधिक टीमों ने यह छापे की कार्रवाई की। टीमें नया बाजार, कचहरी रोड, पर्वतपुरा बाईपास, एसडीएम टावर, पुष्कर और खरखेड़ी में तंबाकू फैक्ट्री पर पहुंची। वहीं पंचोली चौराहा स्थित घर और गोदाम पर भी टीमों ने सर्च किया। यह छापे की कार्रवाई करोड़ों रुपए की टैक्स चोरी की शिकायत पर की जा रही है। यह कार्रवाई गुरुवार सुबह तक जारी रही। इस दौरान विभाग ने यहां से कई कागजातों को भी जब्त किया है। बता दें कि पूर्व में भी व्यवसायी के ठिकानों पर विभाग द्वारा कार्रवाई की गई थी। कोटा जिले के अनंतपुरा थाना क्षेत्र में कलयुगी बाप दादा ने मंदिर ले जाने के बहाने किशोरी को बेच दिए जाने की जानकारी सामने आई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने कार्रवाई करते हुए किशोरी को बरामद कर लिया। पुलिस ने बताया कि बाप दादा ने किशोरी को लाखों रुपए में बेचने के बाद मारपीट करके जबरन उसकी शादी करवा दी थी। पीड़िता की मां ने आईजी को इस संबंध में ज्ञापन सौंपकर परिवाद दिया था जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए किशोरी को बरामद कर लिया। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। जोधपुर जिले के समदड़ी थाना क्षेत्र में एक सड़क हादसा हो गया। जानकारी के अनुसार समदड़ी में लूणावास के पास एक बस पलट गई। हादसे में 2 दर्जन से अधिक यात्री घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया है। वहीं 1.5 दर्जन से अधिक यात्रियों की गंभीर हालत को देखते हुए MDM अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस हादसा होने के कारणों की जाँच कर रही है।
जयपुर जिले के बजाजनगर थाना क्षेत्र में एक बुजुर्ग व्यक्ति का मोबाइल चोरी होने के 3 दिन बाद उसके खाते से 2,40,000 रुपए की ऑनलाइन ठगी करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने बताया कि पीड़ित सर्वेश ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है कि वह गोपालपुरा पुलिया के पास स्थित दुकान पर गए थे, जहां पर किसी बदमाश ने उनका मोबाइल चोरी कर लिया। उसके 3 दिन बाद उनके खाते से 2,40,000 रुपए की ठगी कर ली। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करके ट्रांजैक्शन डिटेल के आधार पर मामले की जाँच शुरू कर दी है। चूरू जिले के सादुलपुर थाना क्षेत्र के लूणी गांव के पास एक भीषण सड़क हादसा हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने बताया कि हरियाणा रोडवेज बस और ट्रक की जबरदस्त भिड़त हो गई। हादसे में बस में सवार आधा दर्जन यात्री घायल हो गए। पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया है। वहीं हादसा होने के कारणों की जाँच की जा रही है। सीकर जिले के निमका थाना क्षेत्र के राणासर गांव में लव मैरिज के बाद पति के साथ एसपी से प्रोटेक्शन मांगने जा रही एक लड़की को उसके ही परिजनों ने किडनैप कर लिया। परिजन ने पति के साथ भी मारपीट की, उनकी कार के शीशे भी तोड़ दिए। इसके बाद वे लड़की को अपने साथ ले गए। सूचना मिलने पर पुलिस ने तुरंत ही लड़की को उठाने वालों की घेराबंदी करनी शुरू कर दी। 5 घंटे के बाद पुलिस ने घेराबंदी देख लड़की को रास्ते में उतार कर परिजन भाग गए। पुलिस ने बताया कि केरपुरा कारोई गांव की एक युवती और युवक ने 23 जनवरी को घर से भागकर जयपुर में शादी कर ली थी। इनके परिवार वाले इस रिश्ते के खिलाफ थे। घर से बेटी के गायब हो जाने के बाद परिजनों ने खंडेला थाना में युवक के खिलाफ अपहरण का मुकदमा दर्ज करवा रखा था। अब पुलिस ने युवती के माता पिता और अन्य के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए।